हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी मसाले के साथ गोभी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरा हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पर मसाले को फ्राई कर लूँगी। तो कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें ऑयल ऐड कर दिया, तो ऑयल को भी अच्छे से गर्म कर लूँगी। ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी। तब हम मछली को फ्राई कर लूँगी। मछली बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब इसको निकाल लूँगी। फिर हम आलू को भी फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। तो इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी फिर से। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद कुछ सेकंड के लिए इसको ढक्कन से ढका रखूँगी, जिससे कि ये आलू जल्दी पक जाए। आलू फ्राई हो चुका है, तो अब हम आलू को भी निकाल दूँगी। फिर मैं यहाँ पर गोभी को भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। फिर इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। फिर मैं इसे ऑयल में प्याज ऐड कर दूंगी, प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। उसके बाद हम हरा मिर्च और अदरक को ऐड कर दूंगी। ये देखिए, इसमें अदरक और हरा मिर्च है। फिर इसमें ऐड कर दूंगी जीरा और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर दिया। नमक ऐड कर दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। तब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद ही हम इसमें लाल मिर्च और
हल्दी पाउडर को ऐड करूँगी। ये देखिए थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, तो अब इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी और लाल मिर्च ऐड कर दूँगी। फिर इसको थोड़ा सा पानी से अच्छे से पका लूँगी। तो ये देखिए अच्छे से पका लिए, तो अब इसमें गोभी और आलू को ऐड कर दूँगी। तो हम फिर से इसको ढक्कन से ढक कर रखूँगी। उसके बाद इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। टमाटर को अच्छा से मिक्स कर दूंगी। फिर इसको भी हम ढक्कन से ढक कर रखूंगी। उसके बाद हम बिना ढक्कन से इसको कुछ टाइम के लिए पका लूँगी। तो अब इसमें पानी ऐड कर दूंगी। पानी आपको जितना ज़रूरी है उतना ही ऐड करना है। फिर हम इसमें मछली को ऐड कर दूंगी। ये देखिए गोभी और मछली का रेसिपी बनकर तैयार है। तवे में गैस बंद कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरा हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए।